मारेगा इस बार भी बड़ा हाथ, क्या शर्मन जोशी की एंट्री की चाबी है प्रोड्यूसर के हाथ। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज के दिलचस्प गलियारे में। गोलमाल फ्रेंचाइजी एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसको जितना देख लो, जितना लंबा कर दो, कहानी को आपका मन नहीं भरेगा उसको देखने से। और आपकी इसी एक्साइटमेंट को और दुगना करने के लिए रोहित शेट्टी एक बार फिर लेकर आ रहे हैं गोलमाल का पांचवां पार्ट, गोलमाल 5, जिसमें एक बार फिर गोलमाल फ्रेंचाइजी की अधिकतर टीम के सभी मंझे हुए कलाकार फिर से देखने को मिलेंगे, जिसमें गोपू यानी अजय, लकी यानी तुषार कपूर, माधव यानी अर्शद वारसी शामिल हैं। लेकिन इनकी कंपनी का एक और मेंबर है जिसके किरदार पर मोहर लगनी अभी बाकी है, और वो लक्ष्मण का किरदार जिसको निभाया था शर्मन जोशी ने। बाद में गोलमाल अगेन में उनकी जगह श्रेयस तलपड़े को कास्ट किया गया, लेकिन जैसा हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि शर्मन जोशी वापस से इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन उनके होने ना होने से क्या होता है जनाब, होगा तो वही जो चाहेंगे प्रोड्यूसर साहब। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब में प्रोड्यूसर का क्या रोल, तो भाई ये सब पैसे का ही तो खेल है। दरअसल शर्मन जोशी उर्फ लक्ष्मण गोलमाल रिटर्न्स के लिए कास्ट किए गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी फीस को बढ़ाने के लिए बात की, जिस पर प्रोड्यूसर मानने को राजी नहीं थे। दरअसल शर्मन ने गोलमाल रिटर्न्स के लिए 2.5 करोड़ की मांग की थी, और उससे पहले उनको पिछली फ्रेंचाइजी के लिए 2 करोड़ रुपए मिले थे, जिस पर बढ़ती मांग ना पूरी होने पर शर्मन के मैनेजर ने नेगोशिएट करने की ट्राई किया, लेकिन इस पर शर्मन का कहना है कि नेगोशिएशन की बात में काफी देरी हो गई थी और प्रोड्यूसर ने मेरे रोल के लिए किसी और को कास्ट कर लिया था जिसकी मैं इज्जत करता हूँ। ऐसे में अगर शर्मन आते हैं तो उनकी एंट्री पूरी प्रोड्यूसर पर डिपेंड करती है। ऐसे में गोलमाल फ्रेंचाइजी के सबसे ज्यादा लंबा हाथ मारने वाले स्टार हैं अजय देवगन, जिन्होंने गोलमाल अगेन के लिए 12 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, और वहीं रोहित शेट्टी ने 10 करोड़ और बाकी के स्टार कास्ट में 50 लाख से 3 करोड़ के बीच चार्ज किए थे। ऐसे में अब इस बार भी अजय देवगन ने अपनी फीस बाकी फिल्मों के लिए काफी बढ़ा दी है, तो ऐसे में इस बार अजय पहले से कई ज्यादा बड़ा हाथ मारने वाले हैं और बाकी के पुराने स्टार कास्ट भी। अब देखना यह है कि क्या ऐसे में इस बार भी बढ़ती मांग के चलते शर्मन को हाथ धोना होगा फिल्म से। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे अलविदा,